वहां तो पूजा कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, मैं भावना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे एकदम स्वस्थ होंगे। और अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के 8:30 बजे से, और आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अभी आए हैं हम लोग मंदिर, शिव जी के मंदिर हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पे है, तो गाड़ी से आए हैं हम लोग। तो अभी पूजा मैंने अच्छे से कर ली है, क्योंकि पूजा करते समय अगर मैं वीडियो बनाती तो पूजा अच्छे से नहीं हो पाती, तो इस वजह से मैंने पहले पूजा कर ली पूरी अपनी और फिर अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाऊँगी यहाँ के आसपास का नज़ारा भी दिखाऊँगी मैं। और काफ़ी लोग आए हैं अभी सुबह सुबह, इसलिए सभी लोग आ गए क्योंकि फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है तो पूजा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पूजा भी नहीं हो पाती है अच्छे से, तो इसलिए हम लोग भी जल्दी आ गए थे। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, तो अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा। हर्षू सुनो, तो ये देखिए यहाँ पर इस शिव जी का मंदिर है, अंदर शिवलिंग है। तो सभी लोग अभी आ गए, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है, और आज मेला भी लगेगा यहाँ, शिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है यहाँ। और अर्नो के पापा और अर्नो भी आए हैं साथ में, वो देखिए वहाँ पे हैं, वो सारे मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। तो गाइस आइए मेरे साथ और ले चलते हैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के दिन दर्शन कराते हैं भोलेनाथ के महाप्रसाद के। तो जो जो दर्शन करना चाहता है वो मेरा ब्लॉग जरूर देखें। और ये देखिए बाबा जी ने यहाँ पर 2 बाल्टियाँ भर के तैयार रखी हैं, और ये है भंगोटा जो कि महाप्रसाद है, जिसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो जितने भी लोग हैं यहाँ जरूर आ रहे होंगे लेने के लिए बाबा जी से। बाल्टी देखी होगी आपने, आधी हो गई है, तो अभी मतलब मैं तो नहीं पी सकती क्यों, लेकिन लड़के लोग जरूर पियेंगे जितने भी आदमी लोग होंगे, क्योंकि इसको पी के ना दिल और दिमाग काबू में नहीं रहता, तो इसी वजह से मैं नहीं पी सकती, लेकिन मन तो मेरा बहुत है। अरे बाप रे, अर्नो के पापा पूरी एक बोतल भर के लेके आए हैं, इतना सारा भंगोटा दे दिया अर्नो के पापा को बाबा जी ने, कैसे दे दिया, लोगों को तो एक गिलास भी नहीं दे रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, अब पियेंगे मस्त करके घर जाकर। और यहाँ पे मेरे देवर जी बना रहे हैं छोले और खीर। तो पता है ये लोग हर साल भंडारा करते हैं यहाँ शिवरात्रि के दिन, हर साल करते हैं। पिछले साल भी इनने भंडारा किया था, पिछले साल तो इन लोगों ने बनाए थे आलू के गुटके और पहाड़ी भांग की चटनी, और इस बार बना रहे हैं बढ़िया करके खीर। क्या टेस्टी खीर बनेगी आज चूल्हे में, और बढ़िया करके छोले। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और हम तो नहीं ले सकते क्योंकि हमारा है आज फास्ट। जिसका फास्ट नहीं होगा वो ज़रूर खाएगा, मौका नहीं छोड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरे मेरे देवर जी के दोस्त लोग मिलकर करते हैं भंडारा हर साल, तो भोलेनाथ की कृपा इन लोगों पर बनी रहे। और यहाँ पर मैं पूजा करके यहाँ बैठी हूँ, तो अभी इसके पार भी एक मंदिर है, तो अभी वहाँ ले चलते हैं आप लोगों को। तो गाइस अभी वहाँ तो पूजा कर ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे मंदिर में, तो अभी ले चलते हैं आप लोगों को और दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ जाके भी। ये देखिए महाशिवरात्रि में महाप्रसाद ग्रहण करते हुए भोलेनाथ के भक्त। और ये देखिए कैसी होड़ मची हुई है, पहले वाले मेरे देवर जी को तो गिलास भर के मिल गया, उसके बाद उसका जो क्वांटिटी है वो कम होते गई होते गए, लास्ट वाले भैया के एक्सप्रेशन तो देखने लायक थे।
पूजा करने के बाद हम लोग जा रहे हैं, घर के लिए निकल गए हम लोग और बहुत अच्छे से पूजा कर ली। अभी हम लोग टाइम पे आ गए थे सुबह सुबह, क्योंकि फिर अगर थोड़ी देर हो जाती तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है, तो फिर पूजा अच्छे से नहीं हो पाती है, तो जिस वजह से हम लोग जल्दी निकल गए थे घर से। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम लोग घर पे मंदिर से, अभी जस्ट अभी पहुंच रहे हैं और मम्मी भी कहीं जा रही है, किसी की तबीयत ख़राब है तो उनको देखने जा रही है, इसलिए हम जल्दी जल्दी भी आए घर और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। और एक बार फिर से आप लोगों को हैप्पी शिवरात्रि, भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, आप लोगों पर भी और हम पर भी। और देख सकते हैं आप लोग पर भी मेरा ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि मैं कुछ करके नहीं गई थी अपने कमरे में मतलब, तो अब फटाफट से करती हूँ कमरे की सफाई। तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।